ఢిల్లీలోని భారత మండపంలో పరీక్షా పే చర్చా కార్యక్రమంలో మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. థాంక్యూ. सर, निर्णय की स्पष्टता में ही सफलता निहित है. आपका यह कथन सदा याद रहेगा. धन्यवाद. शांत समुद्र तट, चित्रमय गलियां और सांस्कृतिक विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध नगर पुडुचेरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सदरापट की छात्रा दीवश्री हमारे बीच इस सभागार में मौजूद हैं और अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं. दीवश्री, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते वनकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर. वनकम वनकम. माय नेम इज दीपश्री. आई एम कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेदरापट पुचेरी. My question is, how can we build our trust in parents that we are working hard? Thank you, sir. धन्यवाद दीवश्री. प्रधानमंत्री जी, हम माता पिता को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इस विषय पर दीवश्री आपसे मार्गदर्शन चाहती हैं. आपने सवाल पूछा है लेकिन सवाल के पीछे दूसरा सवाल है आपके मन में जो आप पूछ नहीं रही है. दूसरा सवाल यह है कि पूरे परिवार में मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट है. और ये यानी आपकी बहुत अच्छी परिस्थिति को आपने पकड़ा है. आपने उसको प्रस्तुत तो ऐसे किया घर में कोई नाराज ना हो जाए, लेकिन ये सोचने का विषय है टीचर के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी कि ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं. अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है. और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है. और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए. आखिरकार मां बाप मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते? कहीं न कहीं तो ऐसी बातें हुई होगी जिसके कारण उनका ये मन बन गया होगा. कभी आपने कहा होगा कि मैं अपनी सहेली को मिलने जा रही हूं और मां बाप ने अगर बात में पता चला कि आप तो उस दिन उसके यहां गई नहीं थी तो ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो जाते. यार उसने तो कहा था वहां जाऊंगा, लेकिन मान लीजिए वहां गए नहीं, लेकिन आकर के कह दिया कि मैंने तय किया था उनके यहां जाऊंगा लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया तो मैं वहां चला गई थी. तो कभी भी ये ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा नहीं होगी. और एक विद्यार्थी के नाते हमें जरूर ऐसा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा था मम्मी आप सो जाओ चिंता मत कीजिए मैं तो पढ़ लूंगा और मम्मी चुपके से देखती और मैं सो रहा हूं तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट हो जाएगा. ये तो कह रहा था मैं पढ़ूंगा लेकिन पढ़ नहीं रहा, सोया पड़ा है. आप कहते थे कि मां मैं अब एक सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा लेकिन चुपके से दिख रहा है मां को कह रहे, तो फिर ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो जाती है. क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को
इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। उसी प्रकार से